काफी दोस्तों की डिमांड थी कि आप कंपेयर करें फेज 9 प्रिज्म को और 7 को, क्योंकि रेट रेशियो, बेसिक इन्वेस्टमेंट रेशियो कि अभी इन्वेस्टमेंट कितनी हम कहाँ पे लगा सकते हैं तो प्रॉफिट कितना आ सकता है, कितने पीरियड के बाद हमें क्या प्रॉफिट आ सकता है। हम बेसिकली आज दो प्रोजेक्ट जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर टू मैं साथ में एक तीसरा ऑप्शन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। दो चीजें हैं कि एक तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आया हम घर बनाने के लिए कौन सी बेहतरीन लोकेशन हमारे पास है और कहाँ पे हमें जाना चाहिए, वो दो ऑप्शन में से एक आपने सेलेक्ट करनी। तीसरी ऑप्शन है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ तीसरी चीज जो शेयर करूंगा, तीसरा फेज जो शेयर करूंगा वो 10 को करूंगा। हम कंपेयर करेंगे तीनों फेजों को और टाइम पीरियड के साथ। टाइम पीरियड पहले हम फेज 6 और फेज 7 और प्रिज्म का करेंगे, उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे हम फेज 7 और प्रिज्म को, और साथ में अपोजिट हम रखेंगे 9 उसको 10 को, सॉरी। तो 10 के इस बारे में क्योंकि मैं ज्यादा वीडियोस देता हूँ इस वजह से कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो घर नहीं यहाँ पे बनाते या पाकिस्तान में जो रहने वाले हमारे इन्वेस्टर हैं मोहब्बत करने वाले, वो घर नहीं बनाना चाह रहे और फ्यूचर में 5 साल के लिए बच्चों के लिए कोई चीज़ रखना चाहते हैं और उसमें कहाँ पे रखें, ये चीज़ बताने के लिए हम बैठे हैं कि आप कहाँ पे रखें ताकि आपका सरमाया डबल से भी ज़्यादा हो, प्रॉफिट आपको हो। तो ये चीज़ें बताने के लिए ज़रूरी है, हमें देखना है कि बेसिक हम सरमाया कितना लगा रहे हैं। पहले आते हैं घरों के लिए कि हम घर अगर बनाएं तो बेहतरीन जगह, तो जिस तरह मैं पहले फेज 7 के लिए कहा था कि फेज 7 में अल्हम्दुलिल्लाह से 2022 के एंड पे आप देखेंगे कि घर बन नहीं रहे, घर उग रहे हैं। वो वजह ये थी कि प्रिज्म को मैं 7 को देख रहा था कि 7 में जितनी ट्रांजैक्शन हो रही थी और हमें क्योंकि हमारे हाथ से गुजर रही होती ट्रांजैक्शन, तो हमें पता होता कि जेन्युइन कस्टमर कौन सा ले रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितने लोग रहे हैं। फेज 7 के अंदर ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की बजाय वहाँ पे तरजीह दी थी कि एंड यूजर के तौर पर वहाँ पे हर चीज डिवेल्प हो चुकी है, घर आस्ता आस्ता स्ट्रीट में बनना शुरू हो गया है। प्रिज्म में उसके मुकाबले में अभी तक पोजेशन भी नहीं दिया हुआ था, तो अब लोगों ने वहां पे रुझान ज्यादा रखा। हालांकि मैं समझता हूँ कि फेज 7 रिहायश के हवाले से बहुत बेहतरीन बन चुका है और अभी इतने घर बन चुके हैं कि फील ही नहीं होता कि आप फेज 6 में या 7 में। और यही मैं चीज कह रहा हूँ कि 2022 के एंड पे और शुरू में 2023 के मिड में, इनके एक साल के बाद आप अगर 2023 मार्च में आप अगर देखेंगे तो फेज 7 में आपको सीधा प्लॉट नजर आएंगे और ज्यादा आपको वहाँ पे ज्यादा आपको घर नजर आएंगे और सीधा प्लॉट वहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे घर इतना तेजी से बन रहा है कि आपको खुद ही, आप अगर घर बनाना चाह रहे हैं तो आपने कहना है वहां पे हम घर बनाए। तो अभी प्रॉफिट इशू के अगर हवाले से बात करते हैं तो फेज 7 के अंदर अगर कोई भी इन्वेस्टर अभी इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां पे उसको अभी 50 लाख से 70 लाख रुपए प्रॉफिट आ सकता है 1.5 साल से 2 साल के अंदर। और यही सूरत हाल अगर प्रिज्म में हम कंपेयर करते हैं जो दो ब्लॉक्स में पोजेशन दिया और इंशाल्लाह इसी साल के अंदर पोजेशन कंप्लीट हो जाएगा फेज प्रिज्म का, तो प्रिज्म में अगर कंप्लीट पोजेशन आता है तो ऑप्शंस लोगों के पास डबल हो जाएंगे फेज 7 एंड 9 प्रिज्म। लोकेशन के हवाले से अगर डिस्कस करें तो प्रिज्म की लोकेशन बेहतर है, उसकी जो असेस है, उसकी जो अप्रोचेज हैं जिनके डायरेक्टली उसको रिंग रोड लगता है और उसके अंदर भी फैसिलिटीज उतनी है जितनी फेज 6 और 7 में, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा कस्टमर का रुझान एंड यूजर का इधर रहेगा। अब देखना है कि इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे क्या अभी मौजूद है कि यहाँ पे प्रॉफिट है क्या है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर 70 लाख रुपए, 50 लाख से 70 लाख रुपए प्रॉफिट है फेज 7 के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ से 1.25 करोड़ की ब्रैकेट का प्रॉफिट अभी मौजूद है 9 प्रिज्म के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि 9 प्रिज्म में भी इन्वेस्टमेंट बनती है। अब हम कंपेयर दोनों को कर लिए कि फेज 9 प्रिज्म बेहतर है फेज 7 से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और रिहायश के वाले से भी बेहतरीन है, और 7 में क्योंकि घर ज्यादा बन गए, प्रिज्म में घर नहीं है, ये एज है कि वहाँ पे घर ज्यादा है तो लोग लाइक करते हैं कि जहाँ पे घर है वहाँ पे घर बनाए। लेकिन हम अगर फ्यूचर में देखते हैं कि रोड वाइज ये सारा स्ट्रक्चर जो बना है प्रिज्म का वो बेहतर है 7 से, तो ये चीजें उसको एज देती हैं, प्लस पॉइंट देती हैं अप्रोचेस की वजह से, लोकेशन की वजह से। अब दोनों को हमने डिस्कस कर लिया कि 7 में आपको 70 लाख प्रॉफिट है और प्रिज्म में आपको 1.25 लाख से 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ है। लेकिन अब हमने एक चीज देखनी है कि आप 7 में आप कितना प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रिज्म में कितने इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रिज्म में आप 2 करोड़ से इन्वेस्टमेंट करते हैं 3.25 करोड़ तक, और 7 में आप 2.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, जिनके अगर 7 में आप जाए तो एक प्लाट लें तो आपको कम वेश 2 कम्प्लीट कनाल की फाइल 10 के अंदर और 1 दशमलव की। अगर हम कोशिश करें कि 3 फाइल्स वहां पे कनाल की आप ले लें 10 के अंदर, और इसी तरह प्रिज्म का अगर हम डिस्कस करें तो
तो प्रिज्म में आप अगर 2.5 करोड़ का प्लाट लेते हैं तो 2 फाइल्स आप ले सकते हैं फेज 10 के अंदर। अगर आप 3 करोड़ वाला प्लाट सवा 3 का वाला लेते हैं तो 1.5 लाख की फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने घर बनाना है और साथ में चलो कुछ 4 पैसे भी हमें मिल जाए तो वो फिर बेहतर है फेज 7। और उससे बेहतर अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं और कहते हैं कि हो सकता है हम घर भी बना लें तो मैं समझता हूँ कि फिर 9 प्रिज्म में आपको आना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं सोच रहे घरों के हवाले से तो आप चाहते हैं सिर्फ प्रॉफिट हमारा बढ़े, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन जो जगह है वो फेज 10 है। कि फेज 10 के अंदर आप एक प्लॉट फेज 7 का 2 फाइल्स 1.5 लाख की फाइल, और इसी रेशियो से अगर आप कनाल का प्लॉट प्रिज्म में लेना चाहते हैं और 2 फाइल्स लें आप कनाल कनाल की, तो प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट है, यहाँ पे आपको 70 या 50% प्रॉफिट, 50 से भी कम रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा प्रिज्म में, और वहाँ पे आपको 40% प्रॉफिट मिलेगा या 30% प्रॉफिट मिलेगा 7 में। उसी अमाउंट को अगर आप शिफ्ट करते हैं फेज 10 के अंदर तो 10 में आपको जो प्रॉफिट है वो 200% मिलेगा, यानी कि आपको 1.25 करोड़ वाली फाइल 3 करोड़ पे जाएगी, 3.5 पे 4 करोड़ तक जा सकती है। आप अगर 4 साल के लिए, 5 साल के लिए इसको वेट करते हैं और इन्वेस्टमेंट महफूज रखते हैं, तो मेरे ख्याल में हमने 3 ऑप्शन डिस्कस किए। अगर हमने घर बनाना है, अभी बनाना है तो फेज 7 आइडियल है और उसमें कुछ प्रॉफिट भी मौजूद है, और अभी टाइम है कि आप उसमें प्लॉट लेके घर बना सकते हैं, और अभी भी टाइम है ना कि आप 70 लाख रुपए और ऊपर जाके प्लॉट परचेज करें। इसी तरह हम अगर प्रिज्म को डिस्कस करते हैं तो प्रिज्म में अगर आपने घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है तो ये आइडियल टाइम है, ना कि आप 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ ऊपर जाके प्लॉट लें और वेट करें। मार्केट में ये इंतजार ना करना कि मार्केट डाउन होगी तो हम लेंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मार्केट कहीं नहीं जा रही किसी सूरत में, अगर गवर्नमेंट रहती है नहीं रहती, क्योंकि हम सियासी टॉक तो कर नहीं रहे, गवर्नमेंट भी कहीं नहीं जा रही, लेकिन अगर नहीं भी होती जा रही गवर्नमेंट तो साल बाद फिर भी चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उस चीज़ों से हटके ये सारे आर्जी चीज़ें होती हैं फ्यूचर जो हम देखते हैं बिजनेस के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप इंतजार करने के बजाय आप डिसीजन लें। अगर आप 7 में लेना चाहते हैं तो डिसीजन अभी बनता है, ना कि 50 से 70 लाख आप ऊपर जाएं, और अगर प्रिज्म में आप लेना चाहते हैं तो ना कि आप इंतजार करें, आपको अभी लेना चाहिए और आपको उसमें फायदा होगा। हम बारह कहते रहते हैं कि आपको फायदे के लिए हम बात करते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि हमने फ्यूचर में करनी ही इन्वेस्टमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त फेज 10 से बेहतरीन ऑप्शन लाहौर के अंदर कोई नहीं है। अदर सिटीज़ को छोड़ दें, अदर सिटीज़ के अंदर DHAs हैं, लेकिन हमने देखना है कि लाहौर का यूज़र लाहौर के अंदर रहेगा, तो लाहौर में रह के उसको ऑप्शंस कौन सी बेहतरीन मिल सकती हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त फेज 10 सबसे बेहतरीन ऑप्शंस है, उसमें आप अगर सरमायाकारी करें तो आपको इंशाल्लाह उसका बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। आज हमने डिस्कस किया फेज 9 प्रिज्म और 7 को, 3 तरह से हमने ये डिस्कशन की कि एंड यूजर के तौर पे आप लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेना चाहते हैं, फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं। ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की, आप खुद रिजल्ट निकाल लेना कि किस चीज़ पे आप पहुंचते हैं, क्या चीज़ आप लेना पसंद कर रहे हैं। तो राबता नंबर मेरा दिया हुआ 02-88-88-429। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम कमर्शियल के हवाले से इंशाल्लाह बनाएंगे पूरी वीडियो, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप हमसे राबता कर सकते हैं। दे इजाजत, अल्लाह।